हेलो एवरीवन, आज पीडी लाइट के आर्ट एंड क्राफ्ट के वर्कशॉप का सेकेंड डे है, जिसमें दो आर्टिकल सिखाए जाएंगे और जिसमें पहला आर्टिकल है मोल्डेड प्लेट और दूसरा आर्टिकल है पेरुवियन आर्ट। तो ये दोनों जो आर्टिकल है, इसे कैसे बनाया जाता है और इसे बनाने में किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है, ये सब आपको वर्कशॉप के दौरान बताया जाएगा। उसकी जानकारी आपको वर्कशॉप में मिल जाएगी। तो आइए अब चलते हैं वर्कशॉप में। ये है पीडी लाइट के कुछ प्रोडक्ट्स, जिसकी सहायता से आज के वर्कशॉप में स्टूडेंट्स आर्टिकल्स बनाएंगी। ये कुछ ग्लू है, ये मोल्डिट है, जिसकी सहायता से प्लेट्स बनेंगे। इसलिए
देखिए ये हो गया सिंगल कलर में। यस मैम। ठीक है, अब इसकी लोई बना लिया, जैसे आटा का रोटी बनाते हैं ना, मिरर निकालो, मिरर वगैरह लाई हो? देखो हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सबसे बड़ी चीज इसमें जहां जिस प्लेट में मुझे लगाना है उस प्लेट में अगर आपके पास वैसलीन है, वैसलीन मोरोलिन कुछ अगर है अगर आपके पास, देखिए इस तरीके से पूरा टैल्कम पाउडर अगर नहीं लगाइएगा, अगर वैसलीन है तो वैसलीन लगा दीजिए, तो क्या होगा कि वो प्लेट से आसानी से निकल जाए, वैसलीन ज्यादा बेटर। ठीक है, देखिए यहाँ प्लेट में लगा दिया। अब इसको क्या, अब देखिए अच्छी तरीके से टैल्कम पाउडर लगा दिया जिससे टेबल पे चिपके नहीं, टेबल पे चिपके नहीं। ठीक है, इस पे भी लगाया, इसमें ना दो पैकेट और लगेगा, मिला दिक्कत नहीं ना हो रहा है। दोबारा दो पैकेट इसको दो लाके, किसका है ये पैकेट? मैम ये फाड़ दिया। ठीक है रखो, कोई बात नहीं है बेटा। ये आधा से 40 to 45 minutes। देखिए यहाँ अब इसको क्या किया, इस पे लगाया राइट, इसको अच्छी तरीके हम भेज देंगे आपको देखने के लिए, हाथ से सेट कीजिए, अभी मत मिलाना बेटा, अभी मत मिलाना, जैसे फटा हुआ है ना तो उसको इस तरीके से थोड़ा सेट करेंगे। देखिए ठीक है, हाथ से फिंगर से दबा के, समझ में आया? ये अच्छी तरीके से प्लेट का शेप इसको दे देंगे। ठीक है, समझ में आया? पूरा अच्छी तरीके से प्लेट का शेप दे देंगे। ठीक है, अच्छा दिख नहीं रहा हम लोग को, पतली सी डोरी बनाए, इस तरीके से पतली डोरी। ठीक है, और इसके किनारे में इस तरीके से इसको चिपका देंगे, हल्का हल्का फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पे चिपका देंगे। अच्छा। ये जो होल है उसके बीच में थोड़ा सा ऐसे फैब्रिक ग्लू लगा, बैठो तू, फैब्रिक ग्लू लगाएंगे, पकड़ो, और ये जो मिरर है उसको इस तरीके से दबा देंगे। देखिए एक लोग निकालते जाइए, गोल बनाते जाइए, मिल के करिए ना, बाद में फिर कर लीजिए। ये छोटा ढक्कन है, पाउडर लगा, हाँ हल्का प्रेस करिए,
इतने लोग में उन्हीं को रोटी बेलने आता है। ऊपर भी बराबर कर लीजिए, ऊपर भी बराबर कर लीजिए। अच्छा ये पूरा जो इसका सरफेस है ना, पूरा बराबर अच्छा से चिकना कर लीजिए। एक लोग गोल करते जाइए ना, चिपकाते जाइए। लीजिए कौन से इसमें, और इसमें बीच में जैसा डिजाइन बनाना अपनी मर्जी से कर सकते। सबसे लेट है आप लोग, जल्दी करिए। सबका प्लेट में सट गया, चिपक गया। Thank you.
पुराना कपड़ा देखिए ना क्या लाई ग्रेट है बाबू तुम लोग तरीके से पूरा यहाँ तक। उसके बाद है इसमें अगर आप चाहें तो डॉट डॉट बाद में दूसरा कलर से डाल सकते हैं। मैंने सूख जाए उसके बाद डाल। हाँ सूखने के बाद नहीं अभी ये डलाएगा। उसे व्हाइट है ना इसमें कोई ब्राइट कलर डालो ब्लू जैसे। उसके बाद क्या है इसमें है ब्लू है शेडेड ब्लू एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है रेड है ठीक है। स्ट्रेट लाइन नहीं करना नहीं ठीक है। जब ये सूख जाएगा तो फिर इसके अंदर का पोर्शन को फिल अप कर देंगे जो भी कलर समझ में आया। बोले थे प्लेट वाला खींचेंगे सब। हाँ प्लेट वाला तो खींच लिए। इसमें येलो है बीच में लाइन में येलो जिग-जैग करना है। डिजाइन है ना।
अरे वाह, ये तो मोती की तरह है। थोड़ा सा देखो, तुम बनाइए, बनाते जाइए। खराब कर रही है। पता नहीं कुछ एक एक लाइन और होगा। Yes. 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 Y